हेलो एवरीवन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्कोर्स इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स डिस्कोर्स एनालिसिस एंड फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स सो बिगिन विद डिस्कोर्स डिस्कोर्स के वर्ड से आप क्या समझते हैं डिस्कोर्स बेसिकली रेफर करता है एनी पीस ऑफ कम्युनिकेशन और अटरेंस को अगर ओरिजिन देखा जाए तो लेटिन औरिजन है डिस्कर्सिस जिसका मतलब है कन्वर्सेशन या स्पीच और जब हम डिस्कोर्स को इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स में देखेंगे ऑबियसली डिस्कोर्स में हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करते हैं सो so, इसी के बिना पे इन लिंग्विस्टिक्स के अंदर डिस्कोर्स वो यूनिट ऑफ लैंग्वेज को कहा जाता है जो कि सिंगल सेंटेंस से लॉन्गर हो उसको हम डिस्कोर्स कहेंगे सो so, ये वर्ड यूनिट ऑफ लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है यूनिट ऑफ लैंग्वेज रेफर करेगा एक कोहिरेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन को जिसमें आपका स्पीच भी हो सकता है कोहिरेंट यूनिट सरमन आर्ग्यूमेंट जॉक एनी कन्वर्सेशन या कुछ भी कुछ भी राइट दैट इज़ द सेंटेंस और डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है डिस्कोर्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन टेक्स्ट एंड कन्वर्सेशन जब हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज को टेक्स्ट और कन्वर्सेशन के अंदर एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को इसको हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं सो लैंग्वेज के डिफरेंट पैटर्नस है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है यू माइट बी फेमिलियर विद डेट। आपने पढ़ा होगा कोर्सिस में भी लिंग्विस्टिक्स के जो यू नो मेजर फील्ड्स है जिसमें सेमेंटिक्स आ गया प्रगमेटिक्स आ गया फनोलॉजी फोनीटिक्स सिंटिक्स इन सारों को हम जहन में रखते हुए डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं सो डिस्कोर्स एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है ये एग्जामिन करता है पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज को एक्रॉस टेक्स्ट और कंसिडर करता है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज और उसके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स को सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पीस ऑफ कम्युनिकेशन या डिस्कोर्स को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स को समझना होता है और ये बेसिकली एक एस्पेक्ट भी है डिस्कोर्स का डिस्कोर्स एंड प्रगमेटिक्स भी हम डिस्कस कर लेंगे अलग सा कि किस तरह यू नो कॉन्टेक्स्ट आपके लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है या किस तरह आपके लैंग्वेज से आपके कॉन्टेक्स्ट का क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ते हैं प्रगमेटिक्स एंड डिस्कोर्स के अंदर सो समैटिक्स एंड प्रगमेटिक्स पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए ये बात समझना बहुत ही ईजी रहेगा क्योंकि प्रेगमेटिक्स भी वही ब्रांच है जो स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल यूज़ ऑफ़ लैंग्वेज को कहा जाता है सो फर्दर मोर क्या कंसिडर किया जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम कंसिडर करेंगे डिफरेंट वेज़ में जो कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज की डिफरेंट प्रोस्पेक्टिवस या वर्ल्ड व्यू को रिप्रजेंट करता है ये बात बहुत सारे लिंग्विस्ट ने पहले भी कही है फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेयर वोल्फ हाइपोथेसिस को आप देख ले वो भी यही बात करता है कि किस तरह लैंग्वेज आपके वर्ल्ड व्यू को शेप करता है एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ये एग्जामिन करेगा यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो कि इन्फ्लुएंस करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स और उसके सोशल आइडेंटिटीज़ को सो so ये आइडेंटिटीज़ का वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कोर्स के अंदर कि किस तरह डिस्कोर्स आपके आइडेंटिटीज़ को शेप करता है ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आइडेंटिटीज़ को देखेंगे डिस्कोर्स कम्युनिटीज़ को देखेंगे डिस्कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है सो इट आल्सो कंसीडर करता है हाउ द व्यूज ऑफ द वर्ल्ड या आइडेंटिटीज़ वो कंस्ट्रक्ट होते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ़ डिस्कोर्स के थ्रू या यूज़ ऑफ लैंग्वेज के थ्रू सो बेसिकली डिस्कोर्स एनालिसिस की हिस्ट्री देखा जाए तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जेलिकरिस ने नाइनटीन फिफ्टी टू में इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग द कोनेक्टेड स्पीच एंड रॉइटिंग क्या कहता है वो डिस्कॉर्स अनालसिस क्या है? कह रहा है इज्स अ वे ऑफ एनालाइजिंग द कोनेक्टेड स्पीच कोनेक्टेड स्पीच या कोहरेंट यूनिट को हमने डिस्कस किया हुआ था ऊपर अगर आपको याद हो तो और राइटिंग्स को कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द लैंग्वेज बियग द लेवल ऑफ सेंटेंस ये बात भी हमने कही थी और रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक्स और नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर और ये फोकस करेगा स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली स्पोकन लैंग्वेज ये भी हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे रिटर्न डिस्कोर्स स्पोकन डिस्कोर्स और दूसरे जो डिस्कोर्स के टाइप्स होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स सो ये कुछ कॉमन फीचर्स है डिस्कोर्स के कि डिस्कोर्स किस तरह का होना चाहिए डिस्कोर्स आपका मीनिंगफुल होना चाहिए कोहिरेंट होना चाहिए और ये कम्युनिकेट करे ठीक है इट शुड कम्युनिकेट अ थिंग अ पर्पस अ मीनिंग एंड इट हैज़ अ पर्पस इसका कोई पर्पस होना चाहिए सेंस होना चाहिए एंड इट मे बी स्पोकन और रिटन स्पोकन भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है दूसरे भी बहुत सारे टाइप्स और फॉर्म्स है डिस्कोर्स के और ये डिफ्रेंश करता है बिग डी और स्मॉल डी के बीच में यानी स्मॉल डी आपका रेफ़र करेगा कि लैंग्वेज इन यूज़ को और जो बिग डी डिस्कोर्स का बिग डी रेफर करेगा स्पेसिफ़िक आइडेंटिटीज़ या एक्टिविटीज़ को किस तरह आप यू नो डिफरेंट वेज ऑफ इंटरेक्टिंग एंड एक्सेट्रा सो बिगन विद द फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें पहला फीचर आता है कोहिरंस का कि आप का जो डिस्कोर्स है वो एक कोहिरेंट होना चाहिए डिफिनीशन में ही हमने डिस्कस किया था है कि डिस्कोर्स इज़ अ कोहरेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज या कोहिरेंट स्पीच ठीक है सो कोहिर यू माइट नो अबाउट द कोहिरेंस एंड कोहिजन ये सब कुछ जो हम लैंग्वेज में कनेक्ट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं यूनिटी लाने के लिए यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर सो आइडियाज एंड टॉपिक्स दे शुड बी कनेक्टेड लॉजिकली फॉर एफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन बात करते हैं कोहिजन की कि आपका डिस्कोर्स डिस्कोर्स के अंदर कोहिजन होना चाहिए जिस कोहिजन को आप अचीव करते हैं यूजिंग डिफरेंट डिवाइस कनेक्टेड या कनेक्टिंग या ट्रांजिशन डिवाइस भी आप कह सकते हैं ठीक है देट आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेक्स टुगेदर जिसके अंदर आप प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं कंजेंशन यूज़ कर सकते हैं और दूसरे लग्जिकल च्वाइस जो कि लिंक करेगा सेंटेंसिस और पैराग्राफ्स के बीच में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो बात आप पहले से जानते होंगे अगला जो फीचर है वो कंटेक्चुअलिटी का आता है नाम से ही पता चल रहा होगा कॉन्टेक्स की बात हो रही है यहाँ पर मैंने पहले भी कहा हुआ था कि कॉन्टेक्स का होना डिसकोर्स को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रेगमेटिक्स एंड कॉन्टेक्स के अंदर ये बात डिस्कस की जाती है सो इज़ हाईली इंफ्लुन्स बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स जिसके अंदर आपका फिजिकल सेटिंग हो सकता है सोशल रिलेशनशिप्स होता है कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है पार्टिसिपेंट्स का नॉलेज यानी बैकग्राउंड नॉलेज जिससे वोल्डिंग कर पाते हैं और उनके आइडियाज़ और बिलीफ सिस्टम एंड देन इंटरटेक्चुअलिटी इंटर यू माइट नो इंटर कहते हैं एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट को रेफ़र करना सो so डिस्कोर्स के अंदर ये भी एक इम्पॉटेंट आस्पेक्ट है कि डिस्कोर्स जो है रेफ़र करता है या इन्फ्लुएंस होता है दूसरे टेक्स से एक अकाइंड ऑफ अगेन कनेक्शन होता है एक टेक्स का दूसरे टेक्स के साथ और ये टेक्निक राइटर्स यूज़ करते हैं अपने राइटिंग के अंदर कि वो डिफरेंट टेक्स को रेफ़र करते हैं इन फॉर्म ऑफ एल्युज के फॉर्म में ठीक है कोटेशंस के फॉर्म में सो so, कोट भी हो सकता है पैराफ्रेस भी हो सकता है एल्यूजेंस के फॉर्म में भी हो सकता है ताकि वो आइडियाज़ को यू you नो know, एक टेक्स से दूसरे टैक्स के साथ कनेक्ट कर सके अगला जो फीचर आता है वो जॉन्ड्रा जौरा इन डिस्कोर्स के अंदर आप देखेंगे सो बेसिकली जन्ंड्रा रिफर करता है डिफरेंट फॉर्म्स को जिसमें कन्वर्सेशन आ गया इंटरव्यू, स्पीचेस, एकेडमिक पेपर्स एडवर्टिजमेंट्स कुछ भी आप कह सकते हो इसी काइंड का सो इस जोन का इट्स ऑन सेट ऑफ रोल्स हर जोन के अपने फॉर्म्स होते हैं, अपने रोल्स होते हैं, ठीक है कि आपका एकेडमिक राइटिंग या एकेडमिक पेपर्स के अपने रोल्स होंगे इसको इस तरह लिखना है एंड वगैरह और डिबेट करते हो उसके अलग रोल्स हैं इन ऑल ऑफ़ दिस जिसको आप जहन में रखते हुए आप यूज़ ऑफ़ लैंग्वेज करते हो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन प्रस्पेक्टिव एंड बायास आ जाता है आपका डिस्कोर्स के अंदर सो so ये रिफ़र करेगा आपके स्पीकर को या यूज़ ऑफ़ लैंग्वेज किस तरह यू नो रिफ्लेक्ट करता है आपके पर्सनल आइडियाज़ को आपके बिलीफ सिस्टम्स को आपके व्यूज़ को आइडियाज़ को जो कि रिफ़्लेक्ट होंगे आपके यूज़ ऑफ़ लैंग्वेज में सो ये यू नो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग आपने देखा होगा कि ये बात अक्सर कही जाती है कि वी स्पीक आवर माइंड यूजिंग लैंग्वेज जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पूरे पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है लैंग्वेज पावर डायनामिक्स कि किस तरह यू नो डिस्कोर्स शेप करेगा आपके पावर रिलेशनशिप को पावर डायनामिक्स को और अक्सर ये कहा जाता है जो लोग हायर पावर में होते हैं या जिन अथॉरिटी जिनके पास होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और शेप करते हैं आपके डिस्कोर्स को सो so, ये कुछ फीचर्स थे दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो आने वाली वीडियोस में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एंड दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो